الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. नमाज में सांप बिच्छू मारने का हुक्म क्या है? मसला, सांप बिच्छू मारने से नमाज नहीं टूटती, जबकि न तीन कदम चलना पड़े न तीन ज़रब की जरूरत हो। अगर मारने में तीन कदम या ज्यादा चलना पड़ा या तीन ज़रब या ज्यादा लगानी पड़ी तो नमाज टूट गई। मसला, नमाज में सांप बिच्छू मारने की इजाजत है अगरचे नमाज टूट जाए। मसला, सांप बिच्छू को नमाज में मारना उस वक्त मुबाह है जब सामने गुजरे और तकलीफ देने का डर हो, और अगर काटने का डर ना हो तो मकरूह है। आलमगीर। मसला, एक रुकन में तीन बार खुजाने से नमाज टूट जाती है, यानी के खुजाकर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, फिर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, फिर हाथ हटा लिया। अगर एक बार हाथ रख कर कई मर्तबा खुजाया तो ये एक ही मर्तबा खुजाना कहा जाएगा और उससे नमाज ना जाएगी। आलम की। मसला, तकबीराते इंतकाल में अल्लाह के अलिफ को या अकबर के अलिफ को खींचा और आला या अकबर कहा या अकबर की बा के बाद अलिफ बढ़ा दिया कि अकबर हो गया तो इन सब सूरतों में नमाज टूट गई। और अगर तकबीर तहरीमा में ऐसा किया तो नमाज शुरू ही ना हुई। दुर्रुल मुख्तार। मसला, किरात या अदकार नमाज में ऐसी गलती जिससे माना फासिद हो जाए नमाज तोड़ देती है। मसला, नमाजी के आगे से चाहे आदमी गुजरे या जानवर नमाज नहीं टूटती, अलबत्ता गुजरने वाला बहुत गुनाहगार होता है। अगर नमाजी के सामने से जाने वाला जानता कि उसमें क्या गुनाह है तो 100 बरस खड़े रहना बल्कि जमीन में धस जाने को अच्छा समझता और नमाजी के आगे से न गुजरता। मसला, अगर मैदान में नमाजी के सामने से 3 गज छोड़कर आगे से गुजरे तो हरज नहीं, लेकिन घर और मस्जिद में ऐसा नहीं कर सकता। मसला, नमाजी के आगे अगर सुतरा हो तो सुतरे के पीछे से गुजरने में कोई हरज नहीं। सुतरे के मानी यानी कोई चीज जिससे आड़ हो जाए। मसला, सुतरा एक हाथ ऊंचा और एक अंगल मोटा हो काफी है, और ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ ऊंचा। रुद्दुल मुख्तार। दुर्रुल मुख्तार। मसला, सुतरा दाहिनी भौंह के सामने गाड़ना अफसल है। सुतरा किन चीजों का हो सकता है? मसला, दरख्त, जानवर, आदमी वगैरह का भी सुतरा हो सकता है। मसला, इमाम का सुतरा मुक्तदी के लिए भी सुतरा है, मुक्तदियों के लिए अलैदा सुतरे की जरूरत नहीं, लिहाजा अगर मस्जिद में भी मुक्तदी के आगे से गुजरे या गुजर जाए जबकि इमाम के आगे से ना तो हरज नहीं। रुद्दुल मुख्तार। मसला, नमाजी अपने आगे से गुजरने वाले को अगर रोकना चाहता है तो सुभान अल्लाह कहे या जोर से किरात करने लगे या हाथ से इशारा करे कर दे, लेकिन बार बार ऐसा ना करे कि अमले कसीर होने की सूरत में नमाज जाती रहेगी। दुरुल मुख्तार। दुरुल मुख्तार।
नादरीन सदक़े जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दीनी मालूमात पाने के लिए नईम अहमद चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।